मार्केटिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। रीजन यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एंड में दिखाऊंगा हाउ आई ग्रो, मैंने कैसे अपने आप को चेंज किया। पैसा तो कमाया यार इस इंडस्ट्री से, इतना कमाया कुछ कहने की हद नहीं है, बट अपनी लाइफ को प्रॉपर चेंज कर लिया। आज से पहले इस इंडस्ट्री से पहले गॉड स्वेयर, मदर स्वेयर, फादर स्वेयर, आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू पीपल। मैं लोगों से बात करने में भी शर्माता था, पर इस इंडस्ट्री की वजह से मैं कई हजारों लोगों के सामने, 10-10, 15-15 हजार लोगों के सामने स्टेज पे जाके स्पीचेस दे चुका हूँ। मैं कई हजारों लोगों के वेबिनार कंडक्ट करता हूँ, कई हजारों लोगों को मैं सेशंस देता हूँ, कई हजारों लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। आप सब भी चाहते हो, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पर अगर हमारी पर्सनल ग्रोथ हो जाए तो उससे बढ़िया कोई पार्ट है क्या? अब देखते हैं कि why do I recommend network marketing business? मैं network marketing business क्यों recommend करता हूं आपको? उसका एक ही reason है मेरे भाई। मैं आपको network marketing इसलिए recommend करूंगा क्योंकि it is actually a legal business जो हमारी government पढ़ा रही है आपको। अब अच्छा एक चीज बताओ, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दुनिया की इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ इलीगल सिखाते हैं? उसमें जेब काटना सिखाते होंगे, मैच खेलना सिखाते होंगे, बैंक लूटना सिखाते होंगे? नहीं, दे टीच सब्जेक्ट्स व्हाट आर लीगल, लीगल पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, जो चीज लीगल है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ऑफिशियल सब्जेक्ट इन टुडेज एरा। आज के टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है बीकॉम बीबीए में, नेटवर्क मार्केटिंग। आप सबको उस नेटवर्क मार्केटिंग को जानना है, आप सबको उस नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस होना है, आपने अपने आप होना है। अगर मैं आपको आज करूं तो कैसा रहेगा? और मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया, आपने विवेक बिंद्रा की वीडियो देखी, जो मैं अचीवर्स क्लब का कंसेप्ट है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। उसमें ऐसा क्या स्पेशल होगा अभी आप वो भी जानोगे, बट हाउ टू चूज अ जेन्युइन नेटवर्क, अ लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अ एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। पहली चीज, वहां पे लोग अच्छे होने चाहिए, विवेक बिंद्रा के पॉइंट से ही ये स्लाइड बनी है। दूसरी चीज, वहां पे प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि प्रॉफिट ना हो। तीसरी चीज, वहां पे ट्रेनिंग पे फोकस होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस चीज को सिखाते हैं कि पैसे लाओ लगाओ, पैसे लाओ लगाओ, और लोगों के पैसे लगवाओ, लोगों के पैसे लगवाओ। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपने पता क्या गलती थी आज तक नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होने का कारण? ये था कि मार्केट में 2000 का नोट नकली भी होता है, असली भी होता है, बट चेक करते हैं लेके, लेने से पहले हम चेक करते हैं उस नोट को। और 10 रुपए का नकली नोट नहीं होता, बट क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती, 2000 की वैल्यू होती है। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में असली भी होती है, नकली भी होती है, लेने से पहले चेक करना हमारा काम होना चाहिए, जो हम नहीं करते। आज मेरे पापा के पास कोई आया, उन्हें बोले कि 2 लाख रुपए लगाने हैं यार, अभी तो चलो बहुत स्कैम हो चुके हैं, अब वो मना कर देंगे, बट पहले के जमाने में क्या होता था, 2 लाख रुपए लगा, 6 महीने बाद 4 हो जाएंगे। पापा पता क्या बोलते, दुनिया 6 लगवा दे, 6 महीने बाद 12 दे दियो या 16 दे दियो। उनका माइंडसेट ये होता था, ये नहीं पूछते थे कैसे होंगे। वो चीज होती है फ्रॉड। जहां पे आपको सिखाने पे फोकस किया जा रहा है उसे जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट ही नहीं है, आप बोल रहे 15,000 रुपए लगवा, ये कोर्स ले ले, इसको लोगों को मैं बांट, 15,000 रुपए का बेच, वो बिकता ही नहीं यार। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तभी तो आप किसी को रेफर कर पाओगे। अगर आज आपने एक शैम्पू यूज किया जो आपको अच्छा लगा, देन ओनली यू विल रिकमेंड इट। अगर आपके शैम्पू से बाल झड़ गए तो क्या आप उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करोगे? द आंसर इज नो। एंड व्हाट इज द गुड न्यूज, इस एथिकल कंपनीज को चेक करने के लिए, इन चारों पॉइंट पे कंपनी को फिगर आउट करने के लिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बुक सर्कुलेट होती है ना, उनमें से एक बुक में एक लाइन लिखी हुई है, दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इज अ लीडर अमंग मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का अवार्ड मिला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा इट इज द बेस्ट, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट, और मेरी नजरों में इससे बढ़कर कोई कंपनी नहीं है। अब फॉरएवर है क्या और फॉरएवर बेस्ट क्यों है? पहली चीज, मैं आपको कह रहा था इंडस्ट्रीज, रिसेशन फ्री इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू केपीएमजी जो सर्वेज हैं, 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। और बात करें हेल्थ एंड वेलनेस की, 2015 में 80,000 करोड़ की थी, 20 में 150,000 करोड़ की हो चुकी है। आप सोचो 5 साल में डबल हो चुकी है। अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हो तो आपकी कितनी ग्रोथ हो सकती है, आप अंदाजा लगा लो, कितनी आप अंदाजा खुद लगा लो। और फॉरएवर इन दोनों इंडस्ट्री पे काम करती है। अब ये जानने की बात है फॉरएवर है क्या, 40 साल पुरानी ग्लोबल ब्रांड है, अचीवर्स क्लब फॉरएवर का ही पार्ट है, अचीवर्स क्लब फॉरएवर से ही टाइड अप है, 4 times फॉर्च्यून 500 में लिस्ट हो चुकी है। फॉर्च्यून 500 क्या होता है, दुनिया की टॉप 500 कंपनी में कंपनी लिस्ट हो चुकी है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, कई लाख करोड़ रुपए की कंपनी की वर्थ है, 164 कंट्रीज में कंपनी वर्क कर रही है, ऑपरेट कर रही है, 2800 से ज्यादा कंपनी के वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज हैं, $2.4 billion का कंपनी का एनुअल टर्नओवर रहता है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं तो 25,000 करोड़ का टर्नओवर रहता है,
लीडर है एलोवेरा और बीहाइव प्रोडक्ट में, दैट इज द पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। यस वी आर द पार्ट ऑफ रिसेशन फ्री एंड नीड इंडस्ट्री। बिगेस्ट नेम है न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री में, 2800 से ज्यादा मिलनर्स प्रोड्यूस कर चुकी है इंडिया में, ये मैं एडिट करना भूल गया, इट इज मोर देन 3300, 3500 से ज्यादा मिलनर्स प्रोड्यूस कर चुकी है इंडिया में। अब कंपनी पैसा कैसे बांटती है, किस किस को जानना है कि पैसा कैसे बांटती है कंपनी। सब सोच रहे हैं यार ओहो मेरे चेहरे पे पैसे से इतनी स्माइल आ गई है, तो आपके चेहरे पे तो मजा ही आ गया होगा, आपको पैसा पता लगेगा, अब हमें पैसा कैसे कमाना है। जितनी देर से हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, हमें वो पता लगेगा कि कंपनी पैसा कैसे बांटती है। आपको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ कि बाहर के बिजनेस में क्या होता है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पैसा कैसे बांटती है। पहले तो मैं बाहर के एग्जांपल से रिलेट करके बताऊं आपको। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें हम, कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक 5 रुपए की मैन्युफैक्चर होती है। मैं लाइव आपके सामने नहीं बैठा वरना मैं आपसे पूछता, गूगल करना, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कंपनी को पड़ती है वो 5 रुपीज पड़ती है मात्र, 5 रुपए। अब 5 रुपए अगर 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक की कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है, वो कंपनी 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मार्केट में मिलती है हमें 90 रुपए की। ऐसा क्यों? रीजन आपके सामने है, बीच की मिडलमैन। पहले 5 रुपए की थी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर 15 की पहुंची, रीजनल पे 25 की पहुंची, होलसेलर पे 35 की पहुंची, रिटेलर पे 45 की पहुंची। अगर रिटेलर 5 रुपए प्रॉफिट भी रख ले तब भी 50 की देनी चाहिए यार, टैक्स भी मान लो 55 की देनी चाहिए, 10 प्रॉफिट मान लो 60 की देनी चाहिए, बीच के 35-40 रुपए कहां जाते हैं, सामने बड़ा बड़ा लिखा है एडवर्टीजमेंट में। मेजर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो जाती है ट्रेडिशनल बिजनेस में वो जाती है एडवर्टीजमेंट में, और मेरे अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट इज अ टोटल फेक मार्केट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं एडवर्टीजमेंट फेक मार्केट कैसे है, एक्स लगाओ परी आएंगी, सामने पड़ा है एक्स लगाऊं परी आएंगी, नहीं कोई चांस ही नहीं परी आ जाए। मैं जितने सेमिनार आज तक लिए हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा लोगों से एक्स लगाने से परी आती है क्या, जो एक्स लगा के आया होता है उसके आसपास लड़के बैठे होते हैं, लड़कियां तो दूर की बात है, परियां तो और दूर की बात है। किटनिया कैफ ऐड करती है लक्स के साबुन की, डू यू थिंक शी यूज दैट प्रोडक्ट, नॉट एट ऑल, वो उसका कुत्ता भी नहीं नहाता उस साबुन से जिस साबुन की वो ऐड करती है। एक्चुअली सलमान खान माय फेवरेट एक्टर, व्हाट ही प्रमोट्स, थम्स अप, हेलीकॉप्टर से कूद गए थम्स अप पी के, आज कुछ तूफानी करते हैं। आई एम करंटली एट सेकंड फ्लोर, क्या मैं सेकंड फ्लोर से जंप कर सकता हूँ, आज कुछ तूफानी कर सकता हूँ थम्स अप पी के? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब एडवर्टीजमेंट रियलिटी फेक है। अगर एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्मेटिव है, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट कर रही है पोलियो की ड्रॉप जरूरी है, दैट इज इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट। गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट कर रही है COVID-19 के केसेस इतने होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स वाली एडवर्टीजमेंट लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है और उससे किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं बढ़ती। बट जिस एडवर्टीजमेंट से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ती है, आई एम 100% दैट एडवर्टीजमेंट इज फेक। रीजन, अगर प्रोडक्ट अच्छा है आपको एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल इज द बिगेस्ट कार ब्रांड इन द वर्ल्ड, रोल्स रॉयस। आज तक मैंने रोल्स रॉयस की एडवर्टीजमेंट नहीं देखी, रीजन बीइंग दैट रोल्स रॉयस को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज द बिगेस्ट एंड द वर्ल्ड्स बेस्ट माउथ पब्लिसिटी प्रमोटेड कार ब्रांड। माउथ पब्लिसिटी प्रमोटेड मतलब क्या होता है? माउथ टू माउथ प्रमोशन। आज मैंने एक प्रोडक्ट यूज करा, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये फोन यूज करा, अगर मेरे को ये फोन अच्छा लगा मैं 4 दोस्तों को बताऊंगा कि भाई ये वाला फोन बहुत अच्छा है, ये वाला फोन लेके देख, वो 4 दोस्तों को बताएंगे मैंने ये फोन लिया ये बहुत अच्छा है। माउथ टू माउथ प्रमोशन, एक की तारीफ से जब बंदा दूसरी चीज लेता है उसे कहते हैं माउथ प्रमोशन। अब ये माउथ प्रमोशन एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रखता, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मॉडल में माउथ टू माउथ प्रमोशन से ही काम होता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कंपनी वेलनेस इंडस्ट्री में, आई विल एक्सप्लेन अबाउट मार्केट प्लेस, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, इट इज द बैकबोन। पर फॉरएवर क्या करती है, जो प्रोडक्ट बनाना होता है, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में कोई बंदा 100 रुपए का बना रहा है, कंपनी उसे बनाएगी 500 रुपए का। रीजन, जो मिडलमैन पैसा रखते हैं कंपनी वो पैसा लगाती है कॉस्टिंग में। फॉर एन एग्जाम्पल एक कोल्ड ड्रिंक अगर 50 रुपए मिडलमैन में जा रहे थे, वो 50 रुपए कंपनी कॉस्टिंग में लगाएगी। अगर कॉस्टिंग पे पैसा बढ़ाएंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी बढ़ेगी। अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो इजिली प्रमोट भी होगा प्रोडक्ट। प्रमोट अगर हम करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ, मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया, मेरे को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने अपने मामा को बोला ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लेके देखो, कंपनी की टर्नओवर हुई। अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट समझा रहा हूँ, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग अपना कंसेप्ट मैं समझा रहा, जज मत करना, ना ये सोचना ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। प्रोडक्ट रिकमेंड हुआ, टर्नओवर हुई कंपनी को, कंपनी विल गिव मी कमीशन, रेफर एंड अर्न। अब मैं आपको बताऊं अगर हम प्रोडक्ट बेचने की बात पे, ये काम प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं है, पर भाई साहब प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा, प्रोडक्ट बिके बिना काम भी नहीं है। हमें लगता है कि हम सेल्समैन बनना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। आपका माइंडसेट ये चीज नहीं एक्सेप्ट करेगा कि आपने सेल्समैन बनना है, नहीं बनना आपने सेल्समैन। क्या अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान ही सेल्समैन है? नहीं,
दे आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, बट वी हैव ऑल्सो टू जस्ट प्रमोट द प्रोडक्ट. हम अगर इस काम को स्टार्ट करते हैं तो हम इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को काफी अच्छे से प्रमोट करते हैं, आगे चलते हैं. अब आपने जानना है कि मनी कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा. भाई साहब, पैसा कमाना है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा हुआ है मैंने आज, और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए ना प्रोडक्ट की बैकबोन होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना जरूरी है. अगर आज मैं बोलूंगा आपको कि कोई भी कीपैड वाला फोन बेचना स्टार्ट करते हैं जिसकी मार्केट प्लेस नहीं है, या एक ब्रांड बना लेते हैं आज, ऑयल बनाने लग जाते हैं घर पे जो बन ही नहीं सकता, तो दैट प्रोडक्ट इज नॉट एट ऑल वर्थ एंड इट विल नॉट इंक्रीज द मार्केट, वो बिकेगा नहीं. पर प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा तो बिकेगा बिकेगा, और फॉरएवर की मार्केट प्लेस है हेल्थ ड्रिंक्स की, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की, वेट मैनेजमेंट की, पर्सनल केयर की, स्किन केयर की. विटामिन सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री इंडिया में आज के टाइम पे 30,000 करोड़ रुपए की है. पर्सनल केयर की इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे 60,000 करोड़ रुपए की है. और न्यूट्रिशन की बात करूं मैं तो न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री आज के टाइम पे 6,000 करोड़ रुपए की है, और कंपनी इसी इंडस्ट्री का पार्ट है. कंपनी के पास न्यूट्रिशनल सेगमेंट भी है, डिटॉक्सिफिकेशन सेगमेंट भी है, पर्सनल केयर सेगमेंट भी है. आपने कुछ नहीं करना कि आज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं है आपने, लेकिन खाली इंटरनेट पे एक ही चीज डालनी है, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट. आपको नाम फॉरएवर का ना आए तो मत करना, अगर आ जाए तो सोच लेना एक बार करने को, मैं आपको पक्का रिकमेंड करूंगा. बट मैं अगर आपको दो, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, मैं आपको टेस्टिमनीज दिखाऊंगा. अगर आपको, ये आपके सामने एक बहुत बड़ी लिटरेचरिस्ट है दयामंती सोनी जो कह रही है, इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लो, जो कह रही है कि मेरे शुगर की प्रॉब्लम ठीक हुई इस प्रोडक्ट से. नेवड मंसूरी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, ये रिकमेंड करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को. ये दो ही टेस्टिमनी डाली है हमने इसमें, और मिस यूनिवर्स भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर चुकी है, एक छोटे से बच्चे की भी फेस. अब आप इसके बाद जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना इन एनी फ्यूचर, आज मैं ये नहीं कह रहा आज ही कल ही, जब भी आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करोगे यू विल गेट टू नो. बट आते हैं हम फिर से पैसा कमाने पे. अब राइट टाइम है पैसा बताने का, क्योंकि अब हमें अंदाजा हो चुका है कि प्रोडक्ट मार्केट क्या है. अब हमें पता लग गया है प्रोडक्ट मार्केट ये है, तो अब हम बिल्कुल ढंग से पैसा कमाने पे फोकस कर सकते हैं. आपके सामने वही मॉड्यूल दोबारा आया है कि पैसा कमाना है अगर तो इस मॉड्यूल से पैसा कमाना होता है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आपके सामने वही मॉड्यूल है कि अगर हमें पैसा कमाना है तो इस मॉड्यूल से पैसा कमाना होता है. बहुत अच्छी बात है, हम इस मॉड्यूल से पैसा कमाएंगे. अब भाई साहब ध्यान से सुनना, हाथ रोक के बैठना और कहीं मत जाना, क्योंकि अब जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं वो एक्चुअल में, मैं छुपा देता हूं पहले, वो एक्चुअल में आपके लिए इतना अच्छा होने वाला है कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि इस इंडस्ट्री से कितना पैसा आ सकता है और कितना पैसा आप इस इंडस्ट्री से कमा पाओगे और कैसे कमा पाओगे. द वेरी फर्स्ट डे यू स्टार्ट द बिजनेस विद अस, व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले दिन इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आप एक फॉर्म फिल करते हो, आपकी आईडी 160 कंट्रीज में जनरेट हो जाती है. आपको फॉर्म फिल करते ही कंपनी एक टाइटल देती है नोवस कस्टमर का. क्या टाइटल देती है? नोवस कस्टमर का. बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई ज्वाइनिंग फीस दिए, पहले दिन ही आपका प्रोडक्ट जो डिस्काउंट हो जाता है वो जाता है 15%. मतलब अगर आप वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपको 15% डिस्काउंट पे मिल रहा है, अगर किसी को रिकमेंड कर रहे हो तो आप उसे 15% प्रॉफिट से रिकमेंड कर सकते हो. अब कंपनी क्या करती है, एक सिंपल सी चीज बताओ मेरे को. अगर आप आज फिफ्थ क्लास में हो तो आप किस चीज के लिए पढ़ाई करते हो पूरे साल? फिफ्थ से सिक्स में जाने के लिए, अपना लेवल अप करने के लिए. हम सब मेहनत करते हैं अपना स्टैंडर्ड अप करने के लिए, अपना लेवल अप करने के लिए. सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है. अगर आज हम एक स्लाइड, आज हम इसमें एक लेवल पे है, नोवस कस्टमर लेवल पे, हम मेहनत करते हैं अगले लेवल पे जाने के लिए. अगला लेवल क्या होता है? लेवल जब टर्नओवर बढ़ती है. अब फॉर एन एग्जाम्पल, आज आपने प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया, रिकमेंड करना स्टार्ट किया, बाय द टाइम आपकी टर्नओवर 30,000 रुपए की हो गई. जैसे उसमें क्या होता है, फिफ्थ से सिक्स में जाने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए, इसमें आपकी बाय द टाइम अगर टर्नओवर 30,000 रुपए क्रॉस कर गई तो आपका लेवल अप हो जाता है. आप नोवस कस्टमर से बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर. क्या बन जाते हो? असिस्टेंट सुपरवाइजर. लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि वो आपके 30,000 की टर्नओवर से ही होता है, जबकि मैं फिफ्थ क्लास से सिक्स में जाने के लिए श्योर हूँ कि हमें मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए, बट मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि हमें बिल्कुल 30% ही चाहिए. 30,000 की टर्नओवर ही करनी है. पहला पॉइंट यार, प्लीज मैं एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि आपको इस काम में 30,000 रुपए लगाने हैं. कई लोगों का माइंडसेट ये बन जाता है कि यार हमें 30,000 रुपए लगाने पड़ेंगे इस बिजनेस में, तो वो लोग अब इस सेशन को ड्रॉप कर देंगे, लीव कर देंगे. नहीं, आपको 30,000 रुपए नहीं लगाने, समझ के जाओ, समझो कि कैसे करना है.
अब कंपनी में क्या होता है, कंपनी में टर्नओवर INR पे डिपेंड नहीं करती, कंपनी में टर्नओवर डिपेंड करती है प्रोडक्ट के पॉइंट्स पे, और उन पॉइंट्स को कंपनी का टाइटल देती है सीसी। सीसी मतलब केस क्रेडिट और कंपनी करेंसी। कंपनी 160 से ज्यादा देशों में है, यूएस में अगर ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का है और इंडिया में ये प्रोडक्ट 800 रुपए का है, तो कंपनी को क्या लगेगा कि दो लोगों में पार्शियलिटी हो रही है, वहां प्रोडक्ट महंगा है यहाँ प्रोडक्ट सस्ता है टैक्स की वजह से। तो कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स दिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिफॉर्म है। अगर 1000 वाले प्रोडक्ट को कंपनी ने 100 पॉइंट दिए, तो 800 वाले प्रोडक्ट को कंपनी ने 80 पॉइंट दे दिए, चाहे प्रोडक्ट सेम है पर प्राइस के अकॉर्डिंग पॉइंट दे दिए। अब जब वो पॉइंट टोटल करते करते 1000 पॉइंट हो जाते हैं, तो होती है एक सीसी। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कंपनी का एलोवेरा है, ये 100 पॉइंट का है, अगर हमने ये 10 ले लिए तो 1000 पॉइंट हो गए। 1000 पॉइंट की जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 15000 रुपए है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एलोवेरा 1400 रुपए का, ठीक है, अगर आपने 10 लिए तो 14000 रुपए में हो गया। बट मैक्सिमम कॉस्ट जो है, अगर आप कोई और प्रोडक्ट, हनी टूजेल आर्टिक सी एंड वी हैव अ लॉट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, तो मैक्सिमम कॉस्ट जो एक सीसी की जाएगी वो जाएगी 15000 रुपए। अब मैंने क्या बोला, जब हम 30000 की टर्नओवर करते हैं तब हमारा लेवल अप होता है। अगर हमारी 15000 में एक सीसी हो रही है, तो 30000 में ऑटोमेटिकली दो सीसी हुई। मतलब मेरा कहने का ये था कि हमें दो सीसी की टर्नओवर करनी है। अब वो चाहे दो सीसी आपकी 29200 में हो, चाहे वो 29900 में हो, मैक्सिमम उसकी जो कॉस्ट जाएगी वो 30000 पे जाएगी। अब आपका लेवल अप होके फायदा क्या है, अभी तक आपके पास एक ही इनकम थी 15%, और वो इनकम आपको बिजनेस ओनर नहीं बनाती, वो इनकम आपको बनाती है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। बट जब आपने मेहनत करके टर्नओवर करी, बिजनेस किया, एक्चुअल बिजनेस किया, एंड विल टीच यू हाउ टू डू दैट 30000 टर्नओवर, वी हैव अ लॉट ऑफ वेज, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। हमारे मैक्सिमम लोग इतने अच्छे होते हैं, वो फास्ट ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फास्ट ट्रैक से अपना बड़ी जल्दी एक एक दो दो दिन में 30000 की टर्नओवर कंप्लीट करते हैं। हम इतने सिखाते हैं कैसे करनी है, और उसके बाद वो उस बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं और इनकम पोटेंशियल एंजॉय करते हैं। इनकम पोटेंशियल क्या है, जैसे ही आप AS बनते हो, जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, 15% डिस्काउंट हो जाता है 30%, प्लस आपका पर्सनल बोनस हो जाता है 5%। मतलब आपको एक प्रोडक्ट मिलता है 35% ऑफ पे, और आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस हो जाता है, यहाँ पे आपको AS लेवल पे दिख रहा होगा, न्यू ज्वाइनिंग बोनस हो जाता है 20%। मतलब स्लाइड में दिख नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ न्यू ज्वाइनिंग बोनस क्या होता है, रेफरल इनकम। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने काम स्टार्ट किया, आपके किसी दोस्त ने पूछा या आपके किसी मामा या चाचा ने किसी ने पूछा, यार मैंने ये प्रोडक्ट लिया, मेरे को ये प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करते हैं, मेरे को भी प्रॉफिट हो सकता है। वो आपने बोला हाँ हो सकता है, उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने जो भी परचेस करी कंपनी से, उस परचेस पे जो प्रॉफिट, जो डिस्काउंट, जो इनकम उन्हें आनी है वो उन्हें आएगी, बट उनकी परचेस से फ्लैट 20% आपको आने लग जाएगा। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सामने 6 लोगों का एग्जाम्पल दिखाया हमने, अगर 6 लोगों ने आपके साथ काम स्टार्ट किया और 6 लोगों ने 30, अगर 10 लोगों का लिखा है वहां पे, अगर 10 लोगों ने आपके साथ पहले महीने काम स्टार्ट किया और 10 लोगों ने 30000 की टर्नओवर करी अपनी, 30000 लगवाए नहीं हमने उनके, उन्होंने टर्नओवर करी, बिजनेस मींस टर्नओवर, प्रोडक्ट बिकता है तभी पैसा आता है, उन्होंने 30000 की टर्नओवर करी, टर्नओवर करके क्या हुआ, एक बंदे का 30000 का 20% 6000 रुपए बना, आपकी पहले महीने की इनकम 60000 रुपए हो गई। अब जो बंदा 2CC कर चुका है वो भी आगे नेटवर्क बनाएगा, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा, ये दो के नीचे दो नहीं है, इट इज एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल। पहली चीज, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपल्शन नहीं है, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट परचेजिंग कर सकते हो आप, इन्वेस्ट नहीं करने, आपने पैसे लगा के भूलना नहीं है। इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जब पर कॉस्ट रिटर्न मिलता है, कि मैंने 10000 रुपए लगाया और मेरे को 1000 रुपए महीने का इंटरेस्ट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेके कोई पैसा नहीं आता, प्रोडक्ट जब मूव होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं मोबाइल का काम खोलूं, मोबाइल बिकेगा तब पैसा आएगा, ऐसे ये प्रोडक्ट जब मूव होता है तब पैसा आता है। और बढ़िया बात यह है, खुद से प्रोडक्ट मूव करने पे फोकस खाली 5% रहता है, टीम बना के प्रोडक्ट मूव करने पे फोकस हमारा 95% रहता है। और इस टाइम पे आप जैसे हजारों लोग इस सेशन को देख रहे हो, आज हजारों लोग जब इस सेशन को देख रहे हैं, हजारों में से कोई हंड्रेड्स ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड, प्रोडक्ट टर्नओवर बढ़ेगी, उस टर्नओवर से टर्नओवर प्रॉपर जो टोटल टर्नओवर होगा उस पे इनकम जनरेट होगा। मतलब आपने अकेले नहीं करना, आपने 10 लोग 20 लोग जितने की आप टीम बना के काम करना चाहते हो, यू कैन बी अ बिजनेस ओनर लाइक अंबानी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। अगर मैं आपको इनकम पोटेंशियल की बात करूं, पहले महीने जिनकी मैंने टेस्टिमनी रखनी है वो हमारे साथ है, अभी मैं आपको मिलवाऊंगा किसी से, पहले महीने जब हम काम करते हैं, पहले महीने ही काम करके हमारा मिनिमम इनकम पोटेंशियल जो AS लेवल पे होता है, लोग कई लोग 15000 कमाते हैं, कहीं 20 कमाते हैं, कहीं 25 कमाते हैं, कहीं 30 कमाते हैं, पर वी हैव एक्सेप्शंस इन अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब में एक्सेप्शंस है हमारे पास, अचीवर्स क्लब में लोग खाली 30000 नहीं कमाते। वी हैव अ वेरी यंग गर्ल विद अस राइट नाउ इन दिस लाइव सेशन, जिनसे मैं आपको भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। शी स्टार्टेड विद अस लास्ट टू लास्ट मंथ,
लास्ट टू लास्ट मंथ उन्होंने काम स्टार्ट किया, आज से 2 महीने पहले इनका तीसरा महीना है, और पहले महीने ही उन्होंने काम करके अपनी इनकम को फर्स्ट मंथ में 66,000 रुपीज करा, और पहले ही महीने अपना एस लेवल छोड़ के जो अगला लेवल आपको दिख रहा है सुपरवाइजर लेवल वो अचीव करा। वेदिका आर यू विद मी? यस सर। तो आर यू कंफर्टेबल टू ऑन योर कैमरा? वेरी गुड। She is here with us. मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। Her name is Vedika Dikshit. She started with us last to last month and her first month check was 66,000. What was your experience, Vedika? आपने क्यों स्टार्ट किया था काम और आपको सबसे अच्छा क्या लगा? फटाफट से बताएंगे 2 मिनट में। Okay, thank you so much first of all for inviting me to speak in front of thousands of people. And so firstly, I started 2 से 3 महीने पहले and one of the major reason मुझे जो लगा start करने का was कि मेरे पास वी हैड नो अदर ऑप्शन। मैंने इतने सारे लोग फॉरएवर में देखे ऑफ माय एज ओनली फ्रॉम 19 टू 20 हु आर करंटली नॉट जस्ट अर्निंग इन थाउजेंड्स बट वो लाख्स में अर्न कर रहे थे। सो दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट और मेरे लिए मेजर रीजन यही था कि आई गॉट रियली इंस्पायर्ड एंड देयर वाज नो अदर प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म से लोग लाख्स में अर्न कर सकते हैं एंड बेसिक माइंडसेट डेवलप हुआ आप लोगों से सीख के एंड बेसिकली मेरे को अचीवर्स क्लब की अपॉर्चुनिटी मिली because there are a lot of other companies but why I joined forever was this only ki mere ko achievers club ki opportunity kafi achhi lagi and abhi 3 mahine mein I have learned a lot of new things not only just ki maine first month mein 66,000 earn kiye but us time se abhi tak I have learned a lot of new things mera confidence gain hua and a lot more new things jo personality development and बहुत सारी चीजें जो आप लोगों से मैंने सीखी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। बहुत अच्छा लगा हमें वेदिका से कनेक्ट करके। वेदिका हमारे साथ आई, उन्होंने आपको बताया उनका एक्सपीरियंस। सी इट इज 100% पॉसिबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस प्लेटफॉर्म विद इन 1 मंथ। मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा, हमारे सिस्टम में वेदिका इज जस्ट इन 2% पीपल। मैक्सिमम लोगों का जो पहला चेक होता है वो 20,000 25,000 30,000 रुपए का होता है। शी इज एक्सेप्शन कि उनका चेक पहला 66,000 रुपीज का आया। नाउ शी इज एट सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल की इनकम पोटेंशियल की मैं बात करूं तो वो 40,000 to 50,000 रुपीज होता है। एक मिनिमम सुपरवाइजर की इनकम 40,000 से 50,000 पे रहती है। सुपरवाइजर लेवल के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर लेवल आता है हमारी कंपनी में इस मार्केटिंग प्लान में। सी ये जो मार्केटिंग प्लान है ना, डीप में जानोगे अभी आप इस सेशन के बाद। आपको एक मनी मेकिंग प्लान की वीडियो मिलेगी जिस वीडियो में आप डीप में मार्केटिंग प्लान को जानोगे, आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट की लेवल कैसे अचीव करना है। और मैं आपको बता रहा था हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। टीम बनाने के लिए हमें लोगों के पास नहीं जाना, लोग हमारे पास आते हैं। आज हजारों लोग इस सेशन को जो देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग, एक चीज मेरे को बताओ, आपने लोगों को खुद इंक्वायर किया था या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए थे? एक जस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ मैसेज आप कनेक्ट हुए थे कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को समझा सोशल मीडिया के थ्रू। सोचो एक ही इवेंट में अगर हम 5,000 लोगों को, 6,000 लोगों को ये बिजनेस शोकेस कर पा रहे हैं, 4,000 लोगों को बिजनेस शोकेस कर पा रहे हैं, तो कितनी बढ़िया बात है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का यही फायदा है, आपकी सेलिब्रिटी प्रोफाइलिंग होती है, आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट करा जाता है। आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जाके देख सकते हो, आपको वहां पे पता लग जाएगा कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और असिस्टेंट मैनेजर लेवल के, अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं तो अचीवर्स क्लब में इस टाइम पे ऑलमोस्ट 300-400 सुपरवाइजर्स हैं जो 40,000 से 50,000 रुपए महीना अर्न कर रहे हैं। अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं तो मात्र 15 असिस्टेंट मैनेजर्स हैं अचीवर्स क्लब में। रीजन बीइंग दैट हमारे लोग असिस्टेंट मैनेजर लेवल को पसंद ही नहीं करते, वो इस पे रुकना ही नहीं चाहते, वो फटाफट से मेहनत करके अगला लेवल अचीव करते हैं जिसे कहते हैं मैनेजर लेवल, जो ड्रीम लेवल होता है। रीजन बीइंग दैट हम उन्हें मैनेजर लेवल की प्लानिंग देते हैं विद इन जस्ट 6 मंथ। जब आप नोवस कस्टमर पे ज्वाइन करते हो, पहले महीने आप अपनी 2CC करते हो, AS लेवल बनते हो, आपका इनकम पोटेंशियल हो जाता है 25,000 से 30,000। अगले महीने आप सुपरवाइजर बनते हो, थर्ड मंथ में आपका इनकम पोटेंशियल हो जाता है 35,000 से 45,000। थर्ड मंथ अगर लेके चले हम फर्स्ट मंथ एक्शन प्लान के थ्रू, 6 मंथ एक्शन प्लान के थ्रू। फिफ्थ मंथ में आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, 60,000 to 70,000 रुपीज की इनकम एंजॉय करते हो। और 6 मंथ में आप इंडिया के 0.1% लोगों में वेलकम करे जाते हो जिनकी इनकम 1,00,000 रुपए से ज्यादा की हो सकती है और वो मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हैं। अब ये स्लाइड मेरे पास बाद में आई है, कई लोगों को ना विश्वास नहीं होता, ये स्लाइड पहले आनी थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि आप सब सच बता रहे हो या नहीं। अच्छा अगर आपने 12th करी है तो मैं कैसे मान लूं आप सच बोल रहे हो या नहीं? आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपका सील्स हैं, मेरे पास भी सारे सर्टिफिकेशन से प्रोडक्ट के, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से ताकि आप इन फ्यूचर इसके बाद अपने प्रॉपर R&D कर सको। देखो मैं अपने बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, अगर ये फ्रॉड भी बता रहा हूँ ना, फ्रॉड भी होगा तब भी मैं फ्रॉड नहीं बताऊंगा। तो आप क्रॉस चेक करो कि ये फ्रॉड या ये स्कैम है या नहीं, आप जानो इसके बारे में
कि इसको काम कैसे करेगा और काम कैसे होगा। आगे चलते हैं, बात यही नहीं रुकती, कह रहे कितना पैसा दिखाओगे यार, कंपनी आपको आपकी मंथली इनकम के अलावा कार प्लान ऑफर करती है, फॉरएवर टू ड्राइव इंसेंटिव ऑफर करती है, जिसमें आप अपने खुद के पैसों से कार परचेज कर सकते हो। उसका एक टारगेट होता है, वो तीन लेवल्स में होता है, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। लेवल वन में आपको 26,000 रुपए मिलते हैं, लेवल टू में 39, लेवल थ्री में 52। लोग कह रहे हैं भाई इतने पैसे में गाड़ी कैसे आएगी, आएगी मेरे भाई आएगी। कंपनी ना बहुत छानी है, कंपनी 36 महीनों तक पैसा देती है। और कंपनी ये इनकम क्यों रखती है, इतना पैसा क्यों बांट रही है, क्योंकि कंपनी को पता है वी आर ह्यूमंस एंड वी आर एक्सपर्ट इन प्रमोटिंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल, हम अच्छी चीजों को छोड़ो, बुरी चीजों को इतने अच्छे से प्रमोट करते हैं। ढिंचैक पूजा हमने कितना फेमस कर दिया, ढिंचैक पूजा को हमने उसको इतनी सारी चीजें दिखाई, इतनी तारीफ कर दी हमने उसकी, वो बिग बॉस तक हुआ। हमें क्या मिला, खुल्लू, हमें कुछ नहीं मिला। आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, आज से एक साल पहले, इस 19 साल का था जब मैं, 19 साल की एज में मैंने एक छोटी सी अचीवमेंट करी थी, तब मेरी इनकम अच्छी थी उस टाइम पे, तो मैंने अपने पैसों से, खुद के टोटल सेल्फ अर्न्ड पैसों से इस एक साल पहले, टॉप मॉडल वरना गाड़ी परचेज करी थी। और ये सबके लिए अचीवेबल है यार, ये आप सब भी कर सकते हो, ये मैंने अपनी मेहनत से करी थी। और ऐसे ही इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अभी दिसंबर में हमारे एक को फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, रोहित अरोड़ा, जिनके साथ मिलके ही हमने इस सोसाइटी को फाउंड किया था। ही इज ऑल्सो अर्निंग वेरी गुड, एंड लास्ट दिसंबर में उन्होंने अपने पैसों से, खुद की इनकम से एक टॉप मॉडल हुंडई क्रेटा गाड़ी परचेज करी है वर्थ 16 लाख। कॉलेज स्टूडेंट, ही इज इंस्पिरेशन फॉर यंगस्टर्स। एंड अगर मैं इनके आज के बारे में बताऊंगा आपको इनके बारे में, तो आप तो अमेज हो जाओगे। तो अभी रुक के बताएंगे, क्योंकि सरप्राइज तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, अब एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच अवेलेबल है जो इस कार प्लान की इनकम को क्वालिफाई करने वाले हैं इस मंथ, जिनकी कार प्लान क्वालिफाई हो जाएगा और उनकी इनकम 2 लाख रुपए प्लस हो चुकी है, और उन्होंने मात्र 6 महीने में, 5 महीने में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और उनका 9th मंथ में कार प्लान क्वालिफाई हो रहा है। ही इज द फास्टेस्ट कार प्लान क्वालिफायर, ही इज वेरी यंग, ही इज जस्ट अ स्टूडेंट। ईशान, आर यू विद मी? ईशान? यस सर, आई एम ऑडिबल। या, यू आर ऑडिबल। आर यू कंफर्टेबल टू ओपन योर कैमरा? यस सर, फॉर श्योर। सो ईशान इज विद अस, आपके सामने ईशान अवेलेबल है। ईशान, फटाफट से 1 मिनट में बताएंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, हमें सेशन एंड करना है, कि आपकी इंडस्ट्री, आपको ये एक्सपीरियंस कैसा रहा 6 महीने का, और 6 महीने में आप 1 लाख रुपए की इनकम को कैसे क्रॉस करा। इनफैक्ट यू आर अर्निंग नाउ 2 लाख प्लस, तो गिव योर मैसेज टू द ऑडियंस, ओवर टू यू। For sure. अभी जितने भी लोग, thousands of people are watching here. Thank you, Krishna sir, for providing this platform. And मैं सिर्फ एक चीज most probably यहाँ पे share करना चाहूंगा कि मैं जब इस business को start कर रहा था, I didn't believe. Krishna sir जानते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि यहाँ पे इतने सारे लोगों को ऐसी ऐसी इनकम्स आती है at such age. Because मैंने यहाँ पे जब business को start किया था, I was just 18 that time. So 18 साल की उम्र में लोग कोशिश करते हैं कि उनको 5-10-15 हज़ार रुपए भी पार्ट टाइम में आ जाए, तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इस प्लेटफॉर्म पे उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा अच्छा अर्न कर रहे थे, काफी ज्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे थे, काफी ज्यादा एक अच्छे कल्चर के बीच में थे। देखो, मैटर ये नहीं करता, अर्निंग पोटेंशियल बहुत जगह पे बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत अच्छा भी होता है, बट मैटर ये करता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ का कल्चर कैसा है, आप कैसे लोगों के बीच में काम कर रहे हो, उनके साथ कैसे आगे बढ़ रहे हो। यहाँ का कल्चर ये ऐसा है कि यहाँ पे ना किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाता कभी भी। मैंने ये चीज नोटिस किया, आई बिलोंग टू रायपुर छत्तीसगढ़, कृष्णा सर, रोहित सर, ऋतिक सर सब दिल्ली से हैं, उन्होंने वहां से हमें एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया, वहां से हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे हम आगे बढ़ पाए। कोई भी पर्सन कभी मेरे हिसाब से कोई भी इतने एफर्ट नहीं डालेगा किसी आउट स्टेट में कि वहां से कोई इतना आगे बढ़ पाए। उन्होंने रेगुलर विजिट्स किया, रिमेंबर दिसंबर में उन्होंने विजिट किया था रायपुर, एंड सिर्फ आज उन चीजों की वजह से, वो बेसिक चीजों की वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, एक अच्छी इनकम पे हूँ, एक अच्छे लेवल को अचीव करने जा रहा हूँ। सो इस इंडस्ट्री में आप सिर्फ इनकम को मत देखना, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे अचीव कर सकते हैं और साथ में अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ईशान, थैंक यू। अच्छा, अपना लास्ट मंथ का इनकम बताओगे, जो आपका लास्ट मंथ इनकम था? सर, इट वाज ऑलमोस्ट 2,30,000 रुपीस। 2,30,000 रुपीस इन जस्ट एज ऑफ 19, अप्रिशिएबल, वेरी गुड, कीप ग्रोइंग ईशान। बहुत अच्छा लगा हमें ईशान से मिलके, उनकी इनकम इतनी ज्यादा इतनी कम एज में। हम आगे चलते हैं, कंपनी यही नहीं रुकती मेरे भाई, कंपनी ने अभी आपको बहुत कुछ देखना है। किस किस को घूमना पसंद है? अभी बहुत सारे लोग कनेक्टेड है हमारे साथ, अभी सरप्राइज तब भी बाकी है, लोग सोच रहे हैं ऐसा क्या सरप्राइज दोगे हमें आज।
लोग घूमना चाहते हैं, सब ट्रैवल करना चाहते हैं, कंपनी दो इंटरनेशनल टूर देती है, एक डोमेस्टिक टूर देती है, इंटरनेशनली एक अप्रैल में होता है, एक ईगल मैनेजर रिट्रीट अक्टूबर में होता है। मैं अगर आपको अभी टूर के बारे में बता दूंगा ना तो आज आप सो नहीं पाओगे मेरे भाई, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके बाद एक वीडियो भेजेंगे उसमें टूर के बारे में समझना। बट मैं आपको बता दूं, जो डोमेस्टिक टूर होता है ना वो तो ऐसा टूर होता है साला, इंटरनेशनल टूर फेल है डोमेस्टिक टूर के सामने। मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ कई बार, मैं आपको बता सकता हूँ मेरा दिल इस महीने बहुत दुख रहा था क्योंकि मैं इस महीने भी डोमेस्टिक टूर पे होता, इंटरनेशनल मैंने सिडनी जाना था, बट सैडली हमें वो चीज नहीं मिल पाई क्योंकि कोविड आ गया। ये डोमेस्टिक ट्रैवल की फोटो लगी हुई है तरंग और मेरी, या हमने लास्ट ईयर उदयपुर लेके गई थी कंपनी, ताज अरावली रिजॉर्ट एंड स्पा में रुकवाया था कंपनी ने, जिसका 35,000 रुपीज नाइट का रूम था। और बढ़िया बात पता है, हम दोनों को कंपनी ने अलग अलग रूम दिया था, मतलब कंपनी ये नहीं कहती आप एक ही रूम में एडजस्ट करो, अलग अलग लो और एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंटरनेशनल ट्रेवल की फोटो है। आपको पता है मैं तो चलो छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, ज्यादा नहीं घूमा, अभी 3 कंट्री 4 कंट्री घूमा हूँ, एक मेरे दुबई की फोटो लगी हुई है। बट ये जो पर्सनैलिटी आपको दिख रही है ना तरंग अरोड़ा जी, ये ऐसी पर्सनैलिटी है, इन्होंने लास्ट 3 साल के अंदर अंदर 13 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल करी है अपने पैसों से। एंड यू विल नॉट बिलीव, हिज फर्स्ट फ्लाइट एवर वॉज डायरेक्टली टू यूरोप। डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं बैठे थे, फॉरएवर स्टार्ट कर चुके थे, पैसा कमाना स्टार्ट कर चुके थे, बाहर के देश बहुत इंस्पायर करते थे इन्होंने इनको। और इन्होंने पहली ट्रैवल जो किया था अपना वो यूरोप किया था, और अपने चाचा को भी साथ लेके गए थे। 13 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, यूएस भी नहीं छोड़ा। मेरा तो शक्ल देख के पता नहीं मेरी शक्ल क्यों नहीं अच्छी लगी यूएस वालों को, लास्ट ईयर यूएस का टूर था, मेरा वीजा ही रिजेक्ट कर दिया, कह रहे हैं इसको तो भेजेंगे ही नहीं हम, बट इनको ये ज्यादा स्मार्ट है मेरे से, इनकी शक्ल अच्छी लगी कंपनी को तो इनको वीजा मिला, कंपनी ने यूएस भेजा। और यूएस में इन्होंने 5,000 से ज्यादा लोगों के सामने अचीवर्स क्लब को और फॉरएवर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप उस वीडियो को ध्यान से देखना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ऑडियो ऑन कर देता हूँ। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अब आती है बात बड़ी इनकम की, अभी तक तो ट्रेलर था, अब आपको हम दिखाते हैं चेयरमैन बोनस की इनकम, जो कंपनी की बिगेस्ट इनकम होती है। कंपनी अपनी टर्नओवर का 3% पैसा हम जैसे लोगों में बांटती है। चेयरमैन बोनस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में मिलता है, एक दिवाली बोनस की तरह होता है। लेवल 1 का सबसे छोटा सा एक 3 लाख रुपए का होता है, 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए तक जाता है। लेवल 2 का सबसे छोटा सा एक 50 लाख से 1.5 करोड़ तक जाता है, और लेवल 3 का चेक 4 करोड़ का जाता है। ये 2 साल पुराना फोटो है, 2 साल पहले जो कंपनी के टॉप अर्नर थे सूर्य सिन्हा, वो नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल से काम करते थे, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं करते थे। कि जितने लोग आप देख रहे हो ना, दे यूज टू वर्क विद नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल, बट हम लोग जो आज कर रहे हैं वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल से कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर ग्रोइंग इवन बेटर देन दीज पर्सन राइट नाउ। ये लास्ट टू लास्ट ईयर आप देख रहे हो। एक बात कही जाती है कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर होता है वही पैसा कमाता है, ऐसा नहीं है। सूर्य सिन्हा जी का चेक आप देख रहे हो 4 करोड़ रुपए का, और उनकी डाउनलाइन है अरुण सुराना जी जो इस स्लाइड पे दिख भी नहीं रहे, उनका चेक मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए का था। इनकी मंथली इनकम अगर 25 लाख रुपए थी तो इनकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए थी। ये तरंग अरोड़ा जी ने लास्ट टू लास्ट ईयर एक चेयरमैन बोनस इनकम क्वालिफाई करी थी $5,500 की, लगभग 4.25 लाख रुपए की, एंड ही वाज यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर इन द होल वर्ल्ड। अब इस ईयर की बात करते हैं तो इस ईयर ट्रेंड तो मैंने ही अपने भाई का तोड़ना है, तो इस ईयर आई वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर इन द होल वर्ल्ड। ये रोहित अरोड़ा को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, इनका चेक लगभग 5 लाख रुपए का था, मेरा चेक लगभग 9.5 लाख रुपए का था। एंड तरंग अरोड़ा ने इस टाइम सेकंड बार चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, उनका चेक भी लगभग 9.25 लाख रुपए का था। आगे चलते हैं, ये हमारे आते हैं कुछ स्पेशल डायमंड्स। आप लोगों को लगता है ना लोग पैसा नहीं कमाते, मैनेजर लेवल की बात करूं तो 100 से ज्यादा मैनेजर है अचीवर्स क्लब में। मैंने कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स की फोटोज डाली है इसमें, उनका बैकग्राउंड, इनकी इनकम, जो लोग एक्चुअल में बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये आपके सामने सौरभ वर्मा, एज 25, होटल मैनेजमेंट का करियर छोड़ के 1 लाख रुपए मंथली पे आए। मिलन सोलंकी अपना कॉलेज ड्रॉप करके, कॉलेज खत्म करके 1 लाख रुपए मंथली पहुंचे। सूरज, विवेक, अनिमेश, हितेश, दीज ऑल गाइज आर मेकिंग ऑलमोस्ट 1 लाख, ऑलमोस्ट नहीं मोर देन 1 लाख। गीतांशु, राहुल वर्मा, मुकुल, अमन, सजल, अनमोल, दीज गाइज आर ऑल्सो स्टूडेंट, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से, कोई स्टूडेंट बैकग्राउंड से, 1-1.5 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। ये आते हैं थोड़े अच्छे डायमंड लोग, जो 1.5 लाख, 1.7 लाख, आर्यन, उस्मान, रमनप्रीत, मुदित, मानव, अर्पित। आपको पता है मुदित और अर्पित, दे यूज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे यूज्ड टू डू अ जॉब ऑफ 10,000। मानव अरोड़ा, ही वाज इनटू कंसल्टेंसी जॉब ऑफ ₹20,000 एंड हिज लास्ट मंथ चेक वाज 1.8 लाख। रमनप्रीत,
faced a lot of loss in international business. Inka import export ka business tha. Now he is doing a great. Aage chalte hain. Karan Chaudhary, ye aate diamond log, 2 lakh rupee wale. Saib Singh, ye Harley Davidson li inhone is platform se apne paiso se self earned income pe. He is also one of the co-founder of Achieve Hustle. Naveen Verma, 2 lakh rupee. Pulkit Jain, IIT के बैकग्राउंड से, स्टूडेंट बैकग्राउंड से छोड़ के 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे. जतिन कमनानी ईशान, ये दोनों रायपुर से हैं, आउटस्टेट से. आगे चलते हैं, ये शुभम जैन जिनसे आप पहले मिले, उनका लास्ट मंथ का चेक 2.2 लाख रुपीज का था. मयंक मित्तल, ये काफी अच्छे लेवल पे, इनका लास्ट मंथ का चेक 2.2 लाख रुपीज का था. प्रिंस गोस्वामी एंड आदित्य गोस्वामी आर रियल ब्रदर्स. अगर इन दोनों की कंबाइन इनकम देखे तो इट इज ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज. ये दोनों भाई मिलके 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, एक 22 साल का, एक 25 साल का है. और ये 18 साल के बच्चे ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं. आशीष चौनल, इनकी इनकम 2.5 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है इसी एज में. और ये आते हैं हमारे टॉप 5 लोग. ये सौरभ शर्मा, CLT मेंबर, ये काफी सारे लोग इनकी टीम में जो लाख रुपए इनकम अर्न कर रहे हैं, 3 लाख रुपए की इनकी इनकम है लास्ट मंथ की. रवि राजपूत, ये एक फरुखाबाद से बिलोंग करते थे. सौरभ शर्मा इज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड. रवि राजपूत इज 24 ईयर्स ओल्ड. MBA कर रखी है इन्होंने. ये तो बहुत स्ट्रगल करके इस लेवल पहुंचे. आज इनकी टीम में भी लोग 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं और ये खुद 3 लाख रुपए प्लस कमा रहे हैं. अमित बिष्ट, बीटेक एग्जाम्पल, बिगेस्ट एग्जाम्पल इन अचीवर्स क्लब एट सच अ यंग एज, ही इज अर्निंग मोर देन 3.5 लाख रुपीज. एंड हियर इज आर वन मोर कजन. मेरा एक और कजन है. पहले लोग पता क्या बोलते थे, आप में खाली अरोड़ा अरोड़ा कजन पैसे कमाते हैं. अब आपको मैंने दिखाया इतने सारे लोग पैसे कमाते हैं. ये ऋतिक अरोड़ा है, ही इज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज मेंटेनिंग आर लेगेसी. ही इज अर्निंग 5.3 लाख प्लस इनकम. इज लास्ट मंथ चेक वॉज ऑलमोस्ट 5,34,000 रुपीज. आगे चलते हैं, अब धमाका फोड़ते हैं. अब जो इनकम दिखाऊंगा ना, माँ कसम सच इनकम है, भगवान कसम फ्रॉड नहीं है. गलत मत समझना, विश्वास करना. और प्लीज यार, प्री जज मत करना, ये मत सोचना हम कुछ फ्रॉड कर रहे हैं या स्कैम कर रहे हैं. बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे हैं. ये बच्चे लग रहे हैं आपको, पर इन्होंने अपनी दिन रात मेहनत एक करी है. आप लोग काम करना मत करना, बट पॉजिटिविटी जरूर फैलाना अचीवर्स क्लब के बारे में. लोगों को पॉजिटिव जरूर बोलना, नेगेटिव मत बोलना. आपको हेटर्स मिलेंगे, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के दूसरी कंपनीज के लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ये सब फ्रॉड है, ये कुछ नहीं कमाते, नकली है. मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको अपने CSA मिलवाने के लिए रेडी हूँ. If you want any kind of proof for my income, I am ready to showcase that also. ये तरंग अरोड़ा, founder of Achievers Club, till last month, lockdown से पहले, he was a six-figure earner. Last month, he was a six-figure earner. But lockdown में इतना काम बढ़ा, now he's officially, आप screenshot ले सकते हो और Instagram पे डाल सकते हो, he's officially a seven-figure earner. 4 लाख रुपए की इनकम में ग्रोथ हुई. 10,60,000 रुपए का चेक है इस महीने का, आप देख सकते हो. और उससे पहले महीने का 6,44,000 रुपीज का चेक है. आगे चलते हैं, रोहित अरोड़ा को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, लास्ट मंथ का चेक इनका 7,27,000 रुपए का था, इस महीने चेक 11,40,000 रुपए का. मतलब 7 लाख से 11 लाख, 4 लाख की ग्रोथ. एंड मेरा इस छोटे से 20 साल के प्यारे से बच्चे का एक चेक आता है आपके सामने. लास्ट मंथ की मैं चेक की बात करूं तो इट वॉज 7.5 लाख रुपीज, 7,22,000 रुपीज अकाउंट में आए थे. इस महीने मेरे अकाउंट में 15 तारीख आने वाली है, 2 दिन बचे हैं. बहुत अच्छा लगेगा अकाउंट को. 11,22,000 रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे. 43,732 रुपीज का मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है. एक्चुअल में इतनी इनकम नहीं है लोगों की इस टाइम पे. मैं आपको पता है, मैं जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं क्या करता हूँ, मैं ना आपको अपनी जर्नी दिखाता हूँ. एक मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाता हूँ. जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, The day I started this business, मैं कैसा था, मैं आपको ये दिखाता हूँ. मैं जब इस काम से इंट्रोड्यूस हुआ, मैं घर पे आया, मैंने पापा को बोला, पापा नेटवर्क मार्केटिंग समझ गया हूँ, बहुत पैसा आता है, बहुत पैसे कमाऊंगा. पापा कहते नहीं आता. मैंने कहा पापा पैसे नहीं लगाने. कहते हो सकता है आज है. उन्हें लग रहा था ये फ्रॉड करता है और ये बोलेगा कि अभी पैसे लगाने हैं, अभी काम करना है. बट ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पैसे नहीं लगाने थे. फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने भी मेरे को मना किया. जब हमने इस नेटवर्क मार्केटिंग काम को समझा था कि देख रहे हो साइड में आपको दो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं फाउंडर्स, कैसे से हम MI के फोन से सेल्फी लेना पसंद करते थे. और मैंने एक फोटो पे कैप्शन डाल रखी है, मैं एक स्टोर पे गया था, HD सेल्फी. आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट फोन, टू सी दैट कैमरा. मेरे को बहुत अच्छा लगा था. उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने इन दोस्तों को बताया अपना काम. टू बी ऑनेस्ट, इन सब ने मेरा मजाक उड़ाया. इन सब ने मेरे को बोला ये सब फ्रॉड है, ये सब स्कैम है, यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ कोई पैसा नहीं आता, तू मत कर, फंस जाएगा. और इन्होंने मेरे को और ज्यादा डिमोटिवेट करना स्टार्ट किया. पर मैं टिका रहा, मैंने करा, मैंने काम स्टार्ट करा. मैं तरंग के साथ अमृतसर गया. पहले अमृतसर जाके मैंने काम की स्टार्ट शुरुआत करी. यहाँ मैं सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचा. हमारे मेंटोर का एक ऑफिस होता था, हमने वो यूज करना स्टार्ट किया. हम गाड़ी पे ऑफिस जाना स्टार्ट हुए. हम पहले मेट्रो पे ऑफिस जाते थे. वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल गाइस.
टू बी ऑनेस्ट, प्लीज नेगेटिव मत होना, प्री जज मत करना, दिल से बोल रहा हूँ। बहुत बुरा लगता है जब कोई बोलता है ना ये दो के नीचे दो वाला, ये स्कैम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला है। एक्चुअल में बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे हैं और बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसे बोलता है, बट भगवान ने एक चीज सिखाई है, जब तक आप अच्छे हो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दैट इज वाई वी आर ग्रोइंग एवरी टाइम। एक ही विजन है मेरा, जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, हमारे पेरेंट्स जो हमारे को इतना ग्रो कराते हैं, हमें उनकी लाइफ को और बेटर करना है, एंड आई एम डूइंग दैट। आगे चलते हैं, ये ऑफिस में हमारी फोटोज है, हम इस टाइम पे मैनेजर लेवल पे क्वालिफाई किया, इनकम 6 महीने में 1 लाख रुपए पहुंची, शिमला गए, दुबई गए, गोवा गए, कंपनी का टूर था गोवा का, उदयपुर गए, उधर गए, जिम कॉर्बेट गए, ये ऑफिस में फोटोज, शिमला दोबारा गए, पता नहीं क्यों हमें अपना न्यू ईयर शिमला में मनाना अच्छा लगता था। देन वी इंट्रोड्यूस्ड अचीवर्स क्लब टू दिस इंडस्ट्री, हमने अपनी सक्सेस पार्टीज करना स्टार्ट किया। पहली पार्टी में 15 लोग थे, ये फोटो देख पा रहे हो आप पार्टी की। फिर मैंने अपनी गाड़ी ली, फिर पार्टी में 25 लोग हुए, फिर हम और आगे बढ़े और ग्रो करा और ग्रो करा। ये पूल पार्टी हुई थी एक, ये आप देख पा रहे हो, मेरा बर्थडे था और इस पूल पार्टी में 15 से 300 लोगों की स्ट्रेंथ हो गई थी। 300 लोगों ने इस इवेंट को स्टार्ट किया था, 300 लोगों ने इस इवेंट को अटेंड किया था, ये लाइफस्टाइल चेंज हुआ। इंटरनेशनल टूर्स करना स्टार्ट किया, मैं अपने फादर को 10 दिन की वेकेशन पे थाईलैंड ले गया, थाईलैंड की फोटोज है। ये क्लबिंग का हमें कुछ ज्यादा शौक है तो क्लबिंग, ये इवेंट्स की फोटोज है। यू कैन चेक एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे मैंने एक भी फोटो आज तक लाइफ में डिलीट नहीं करी, ये पताया की फोटो है। एंड अभी फेब्रुअरी में कोविड से जस्ट पहले मैं अपने पेरेंट्स को 10 दिन की वेकेशन पे सिंगापुर लेके गया था, हम सिंगापुर गए थे, ये मेरा बोनस आया था, एनुअल बोनस, उसकी फोटो है। ये अब करंट सिनेरियो है दैट हाउ वी आर मेकिंग मनी, या आप हाईलाइट्स देख सकते हो। अभी मैं FLP इंडिया में करंटली आई एम अ top 1 डिस्ट्रीब्यूटर राइट नाउ, नंबर 1 पे हूँ, ये आप हाईलाइट खोल के देख सकते हो। आई एम अर्निंग अ वेरी वेरी गुड अमाउंट, वेरी गुड। लास्ट मंथ में नंबर 1 पे था, तो अब तो मैं ऑटोमेटिकली नंबर 1 पे ही हूँ, अब तो कोई हो ही नहीं, रोक ही नहीं सकता नंबर 1 पे होने से। पता है ये सारी चीजें आपके लिए भी पॉसिबल है। एवरी वन ऑफ यू कैन अर्न द सेम, एवरी वन ऑफ यू कैन डू द सेम।